हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मात्र आधे चम्मच तेल से नीर डोसा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। और इसके साथ बनाएंगे इंस्टेंट आलू की सब्जी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। नीर डोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है अरवा चावल। आप इसकी जगह इडली बनाने का राइस भी ले सकते हैं। और अब हम चावल को एक से दो बार धो करके इसे पानी में मिनिमम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। यहाँ मैंने नीर डोसा बनाने के लिए 1.5 कप चावल को पहले से भिगो दिया था। हमें इसे मिनिमम 2 से 3 घंटा भिगोना है। और ये देखिए, चावल हमारा फूल के डबल हो गया है। नीर डोसा बनाने के लिए हमें ऐसा ही चावल चाहिए। और अब हम चावल को पीस लेंगे। पीसने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में हम भिगोए हुए चावल डालेंगे। चावल डाल करके हम इसमें 1 कप या 1 कटोरी पानी डालेंगे। हम इसमें ज़्यादा पानी अभी नहीं डालेंगे, वरना चावल हमारा अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। और अब हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश नारियल डालेंगे। यहाँ मैंने नारियल को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप नारियल को काट करके भी छोटे छोटे पीस में इसमें डाल सकते हैं। नारियल डालने से नीर डोसा हमारा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब जार का ढक्कन लगा करके हम इसे बारीक या महीन पीस लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने चावल को अच्छे से पीस लिया है। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है। और अब हम जार में 1 कप पानी डाल करके हम इसे अच्छे से हिला लेंगे, जिससे जार में लगा सारा चावल का पेस्ट अच्छे से मिल जाएगा। और अब हम इसे बैटर में डालेंगे और बैटर को हम इस तरह मिला लेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल पानी की तरह हो गया है। नीर का मतलब ही होता है पानी। और ये देखिए, बैटर का कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल करके हम बैटर को एक बार फिर से चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। बैटर हमारा तैयार है। और चलिए अब हम डोसा बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और इसमें आधा चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर हम पैन में तेल को अच्छे से फैला लेंगे और पैन को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। नीर डोसा बनाने के लिए पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे नीर डोसा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और ये टूटेगा नहीं। नीर डोसा बनाने के लिए आप नॉनस्टिक पैन का यूज़ करें, जिससे नीर डोसा आपका परफेक्ट बनेगा। और अब हम पैन को टिश्यू पेपर या किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। नीर डोसा बनाने से पहले बैटर को एक बार इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसे पैन में डालेंगे। इस तरह से नीर डोसा बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम में भी आपका नीर डोसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इसे पैन में अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम इसे ढक करके मिनिमम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। और 1 मिनट हो गया है। और अब हम नीर डोसा को एक बार चेक कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा नीर डोसा बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे स्पैचुला से हल्के हाथों से उठाएंगे। और ये देखिए, ये पैन को भी इजीली छोड़ रहा है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हम इसे प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। और अब हम पैन को एक बार फिर से टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे। हमें इसमें ऑयल नहीं डालना है। और अब हम इसमें नीर डोसा बनाने के लिए बैटर डालेंगे। बैटर डाल करके हम इसे एक बार फिर से फैला लेंगे। और अब हम इसे ढक करके इसे फिर से पकने देंगे। और ये देखिए, हमारा दूसरा नीर डोसा भी सॉफ्ट और जालीदार बन गया है। सेम तरीके से हम बाकी बच्चे बैटर का भी इजीली इसी तरीके से डोसा बनाएंगे। डोसा बनाते समय आप गैस का फ्लेम मीडियम या हाई रखें और आपका डोसा बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए, डोसा हमारा बनके तैयार हो गया है। हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। नीर डोसा हमारा तैयार हो गया है। और अब नीर डोसा के साथ खाने के लिए इंस्टेंट सिर्फ 5 मिनट में बिना मसाले और बिना मेहनत के आलू के हम बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन को गैस पे गर्म होने देंगे। पैन अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल में 1/4 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा और सरसों को तेल में हम अच्छे से चटकने देंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का एक प्याज डालेंगे।
प्याज डाल करके हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन खत्म हो जाएगा। और अब हम इसमें 4 से 5 कड़ी पत्ता डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डालेंगे। आलू की सब्जी में अच्छा कलर आने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच या 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए, सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। और अब यहाँ मैंने 4 से 5 आलू को बॉईल कर लिया था और हम इसे हाथ से इस तरीके से तोड़ लेंगे। और अब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे। ग्रेवी में डाल करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाएंगे तो आलू हमारा अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाएगा और आलू में सारे इंग्रेडिएंट का फ्लेवर भी आएगा। और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम आलू को इस तरह चलाते हुए फिर से 1 मिनट के लिए मिला लेंगे। आलू को पानी के साथ बॉयल होते हुए 1 मिनट हो गया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ नारियल डालेंगे। यहाँ मैंने फ्रेश नारियल को छील करके अच्छे से ग्रेट या कद्दूकस कर लिया है। और अब हम इसे मिला लेंगे। मिला करके हम इसे 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छे से पकने देंगे। और ये देखिए, आलू हमारे अच्छे से नारियल के साथ मिक्स हो गया है और ग्रेवी भी हमारा सूख गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हमारा आलू का सब्जी बनके तैयार हो गया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और ये देखिए, 5 मिनट में हमारी आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। और अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल करके इसे ना सुखाएं और आपका तरी वाला सब्जी भी बनके तैयार हो जाएगा। और ये सब्जी बनाने में जितना ईजी है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे ज़रूर बनाएं। और अब हम इसमें 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डाल करके आलू को हम हरी मिर्च के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा आलू का सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम गर्मा गर्म आलू की सब्जी को नीर डोसा के साथ सर्व करेंगे। और अब मैं आप सभी के साथ मिलती हूँ एक नए रेसिपी में।